हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इजी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हैज टू और हैव टू को कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जाना था कि हैज हैव सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको बताएगी कि आपको हैज के साथ जब टू यूज करते हैं, हैव के साथ जब टू यूज करते हैं, तो उसका सेंटेंस में मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम आपका टाइम वेस्ट किए बिना फॉर्मेट्स की। सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्मेट में हम इसका यूज करना सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को एक साथ हम कवर करेंगे ताकि हमें डिफरेंट पता चल जाए कि क्या डिफरेंट होता है सेंटेंसेस में बोलते वक्त। सबसे पहले आप यूज करेंगे फॉर्मेट को स्टार्टिंग करने में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से आप फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हैं कि यहां पर हैज के साथ टू लिखा हुआ है, हैव के साथ टू लिखा हुआ है, तो यहां पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैज टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैव टू। टू के साथ ऑलवेज रिमेंबर, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख देना ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप पास्ट में बात करते हैं। पास्ट में हैज हैव की जगह, आपको बताया था मैंने कि हैज हैव की जगह हम यूज करते हैं हैड, तो यहां पर भी फॉर्मेट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आपको सब्जेक्ट यूज करना है सबसे पहले, देन हैड टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में हैड टू नहीं आता, आता है क्या, विल हैव टू। तो फॉर्मेट में विल हैव टू आएगा, लेकिन स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये हैज टू और हैव टू वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब कोई भी इंसान को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो आप प्रेजेंट वाला फॉर्मेट यूज करना, किसी भी इंसान को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा था तो आप पास्ट टेंस वाला फॉर्मेट यूज करना, और किसी भी इंसान को आने वाले टाइम में कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा तो वो आप विल हैव टू यूज करके आप उस सेंटेंस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, सो आई विल से आई हैव टू वेक अप एट 5 o'clock। मुझे 4 बजे उठना पड़ा था तो मैं बोलूंगा आई हैड टू वेक अप एट 5 o'clock। मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा मतलब जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला तो लग गया कि भाई मजबूरी में उठना पड़ेगा, सो आई वुड से विल हैव टू, कैसे बोलूंगा, आई विल हैव टू वेक अप एट 5 o'clock। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि भाई मेरी टीचर्स को कॉपी चेक करनी पड़ती हैं, मेरे टीचर्स को कॉपी चेक करनी पड़ती है, तो हम बोलेंगे माय टीचर्स हैव टू चेक नोटबुक्स। मेरे टीचर्स को कॉपी चेक करनी पड़ी थी तो विल से माय टीचर्स हैड टू चेक नोटबुक्स। मेरे टीचर्स को कॉपीज चेक करनी पड़ेंगी तो हम बोलेंगे माय टीचर्स विल हैव टू चेक नोटबुक्स। एक और एग्जाम्पल, मुझे मार्केट जाना पड़ता है, आई have to go market। I के साथ तो have to use करेंगे, यानी कि I के साथ और plural के साथ आप use करना have to। So sentence is I have to go market। मुझे market जाना पड़ता है। मुझे market जाना पड़ा था Sunday में। I had to go market on Sunday। मुझे कल market जाना पड़ेगा। So I will say I will have to go market tomorrow। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स को देखे और उनको समझा कि भाई उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, हैज टू और हैव टू के एग्जांपल्स को डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है इंग्लिश बोलने में, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक इन इंग्लिश, टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही हैज टू और हैव टू को यूज करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंसेस की, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या सबसे पहले आता है, वो प्रेजेंट के एग्जाम्पल में हो सकता है, वो पास्ट के एग्जाम्पल में हो सकता है, और वो फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल में भी हो सकता है, जहां पर क्या सबसे पहले आ रहा है। और ये क्या है, ये एक सवाल पूछता है किसी भी इंसान से, जैसे मैंने पूछा क्या तुम्हारी मम्मी को साड़ी खरीदनी पड़ती है शादी के लिए, क्या तुम्हारे पापा को जॉब करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, क्या तुम्हारे भाई को कॉलेज जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, तो यहां पर क्या जो है वो सबसे पहले आ रहा है, एंड दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस।
यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप डूडस सबसे पहले यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप बताइए डज यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करेंगे और आई के साथ भी डू यूज करेंगे। उसके बाद आप बोलना हैव टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, एंड देन ऑब्जेक्ट। पास्ट में जब आप बोल रहे हैं तो पास्ट में आपको डू डज नहीं यूज करना है, याद रखना डू डज की जगह आप डिड यूज करना, फिर सब्जेक्ट हैव टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड सेम एज अबव ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर में डू डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, तो क्या आएगा फ्यूचर में, तो हमेशा विल आता है, मैं भी विल यूज कर रहा हूं, विल के बाद फिर सब्जेक्ट बोलूंगा, फिर मैं हैव टू बोलूंगा। टू के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलना, याद रखना टू के साथ ऑलवेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं कि भाई क्या क्या सबसे पहले आएगा, जैसे क्या तुम्हारे भाई को, क्या तुम्हारे भाई के बारे में एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम्हारे भाई को नई किताब खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है मतलब मजबूरी का काम पूछ रहे हैं उससे। सो डज तुम्हारा भाई, यानी कि एक है ना सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज यू बोलेंगे, डज योर ब्रदर हैव टू परचेज बुक या बाय बुक, क्या तुम्हारे भाई को किताब खरीदनी पड़ी थी, डिड योर ब्रदर हैव टू बाय बुक, क्या तुम्हारे भाई को किताब खरीदनी पड़ेगी, विल योर ब्रदर हैव टू बाय बुक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उस लड़की को आम खाने पड़े थे, Did that girl have to eat mangoes? खाने पड़े थे इसलिए मैंने did use करा। क्या उस लड़की को आम खाने पड़ेंगे? Will that girl have to eat mangoes? क्या उस लड़की को आम खाने पड़ते हैं? उस लड़की, कितनी लड़कियां हैं? एक लड़की, तो मैं बोलूंगा does that girl have to eat mangoes? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जरूर डाउट को क्लियर करें मुझसे पूछ करके, कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इंटरोगेटिव सेकेंड जो कि लास्ट सेंटेंस होता है, हर फॉर्मेट्स को हम चार सेंटेंस में जरूर समझेंगे और जरूर समझते हैं पहले से, तो ये सेंटेंस भी हम इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस में देख लेते हैं कि भी कैसे यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन को। आपको क्या करना है इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस में, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस वही सेंटेंस होता है जहां पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आता है, तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको कुछ ना कुछ तो जरूर बोलते होंगे, तो उसको इंग्लिश में हम सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे डू डज से, क्वेश्चन वर्ड बोलने के बाद आपको डू या डज में से एक बोलना है। सेम डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल और आई के साथ आप बोलना डू, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप यूज करेंगे हैव टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या करना, डू डज की जगह डिड यूज कर देना और बाकी सारी चीजें सेम होगी, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में क्या करना होगा, फ्यूचर में आपको विल यूज करना होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट एंड देन हैव टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट यू विल से ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल कैसे होंगे, जैसे हम लेते हैं जैसे एमएस धोनी को अब क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ता है, क्यों आ गया बीच में। अब एक चीज और देखो, इसमें नहीं भी आ गया, अगर हम बोलते हैं एमएस धोनी को क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता है तो ये तो आप इजी कर सकते हैं, व्हाई डज एमएस धोनी हैव टू प्ले क्रिकेट। और अगर हम बोलते हैं एमएस धोनी को क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ता है तो आप एक चीज देख सकते हैं, आप डू के साथ ही नोट लगा सकते हैं तो डोंट बन जाएगा, डज के साथ नॉट आएगा तो डजन बन जाएगा। तो हम देखते हैं एमएस धोनी को क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ता है, तो हम बोलेंगे व्हाई डजंट एमएस धोनी हैव टू प्ले क्रिकेट। ये इस तरह से एग्जाम्पल बन जाएगा। एक और देखते हैं कि भाई अनुष्का शर्मा को विराट कोहली के साथ कब जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे When does Anushka Sharma have to go with Virat Kohli? Anushka Sharma को Virat Kohli के साथ कब जाना पड़ा था दिल्ली, तो हम बोलेंगे When did Anushka Sharma have to go Delhi with Virat Kohli? और Anushka Sharma को दिल्ली कब जाना पड़ेगा Virat Kohli के साथ, so हम बोलेंगे When will Anushka Sharma have to go Delhi With विराट कोहली। इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड को यूज करके और इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखें इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए
आपको क्वेश्चन वर्ड जरूर पता होने चाहिए, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में जरूर बता रखे हैं कि किसको को क्या बोलते हैं, क्या को क्या बोलते हैं, क्यों को क्या बोलते हैं, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स पता होने चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल है जैसे किसके साथ तुम्हारे दादाजी को अखबार पढ़ना पड़ता है, किसके साथ, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ, जो किसके साथ वर्ड है यही क्वेश्चन कर रहा है, तो किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद होम, हम बोलेंगे विद होम डज योर ग्रैंडफादर हैव टू रीड न्यूज़पेपर, किसके साथ तुम्हारे दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज टू और हैव टू को यूज कर सकते हैं, उसके पास्ट टेंस में हैड टू को यूज कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू को यूज कर सकते हैं। ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो अभी आपने एग्जांपल्स देखे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल पर, यानी कि जब किसी भी इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता है या नहीं करना पड़ा था या आने वाले टाइम में उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव सेंटेंस में जब नॉट यूज करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। फॉर्मेट है नेगेटिव सेंटेंसेस का, आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट कोई भी इंसान हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई विल से नाउ, प्लूरल है सब्जेक्ट तो आप डोंट यूज करना, आई है तो भी डोंट यूज करना, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ डजंट यूज करेंगे। अब डोंट और डजंट लिखने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है हैव टू, सबके साथ आप हैव टू, डोंट हैव टू, डजंट हैव टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव से। जैसे आपने पूछा कि मेरे से कि सर क्या आपको रोज गाना गाना पड़ता है, मैंने बोला नहीं मुझे गाना नहीं गाना पड़ता है रोजाना, सो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा मुझे रोजाना गाना नहीं गाना पड़ता है, तो आई विल से आई डोंट हैव टू सिंग सॉन्ग डेली, मैं बोलता हूं मुझे रोजाना गाना नहीं गाना पड़ा था, तो अब मैंने बोला गाना नहीं पड़ा था, सो आई विल से पास्ट, पास्ट में क्या यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डिडंट, यानी कि डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट, सो डिडंट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, मुझे गाना नहीं गाना पड़ा था, सो आई विल से आई डिडंट हैव टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा था, आई डिडंट हैव टू गो मार्केट, मेरे भाई को खेलना नहीं पड़ा था, माई ब्रदर डिडंट हैव टू प्ले, स्टूडेंट्स को फाइल नहीं बनानी पड़ी थी, ये भी पास्ट टेंस का है, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स डिडंट हैव टू प्रिपेयर फाइल, और स्टूडेंट्स को फाइल नहीं बनानी पड़ती है तो नहीं बनानी पड़ती, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स बोला तो मतलब कि भाई बहुत सारे हैं, प्लूरल है, स्टूडेंट्स डोंट हैव टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल फाइल, यानी कि फाइल नहीं बनानी पड़ती है। और अगर हम बोलते हैं कि भाई फाइल नहीं बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, तो एग्जांपल कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट्स को फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, और आप यहां पर विल के साथ नॉट यूज करना, और बताओ विल के साथ नॉट यूज करते तो क्या बन जाता है, विल के साथ नॉट यूज करते हैं तो वो बन जाता है वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रॉफी टी, तो वॉन्ट हैव टू आप यहां पर यूज करना, जैसे भाई स्टूडेंट्स को फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, स्टूडेंट्स वॉन्ट हैव टू प्रिपेयर फाइल, मोदी जी को डांस नहीं करना पड़ेगा पार्टी में, एग्जाम्पल है मोदी जी वॉन्ट हैव टू डांस इन पार्टी, मोदी जी को डांस नहीं करना पड़ा था पार्टी में, मोदी जी डिडंट हैव टू डांस इन पार्टी, और मोदी जी को डांस नहीं करना पड़ता है पार्टी में, भाई ये एग्जांपल है भाई डांस नहीं करना पड़ता है पार्टी में, सो वी विल से मोदी जी डजंट हैव टू डांस इन पार्टी, विद होम डिड योर ग्रैंडफादर हैव टू रीड न्यूज़पेपर, अगर फ्यूचर के पूछ रहे में तुम्हारे दादाजी को किसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे विद होम विल योर ग्रैंडफादर हैव टू रीड न्यूज़पेपर। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे शाहरुख खान को कितनी मूवीज देखनी पड़ती हैं, हम बोलेंगे हाउ मैनी मूवीज, यहां पर है हाउ मैनी मूवीज, कितनी मूवीज डज शाहरुख खान हैव टू वॉच, शाहरुख खान को कितनी मूवीज देखनी पड़ी थी, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी मूवीज डिड शाहरुख खान हैव टू वॉच, और शाहरुख खान को कितनी मूवीज देखनी पड़ेंगी, सो यू विल से हाउ मैनी मूवीज विल शाहरुख खान हैव टू वॉच। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो है इंटरोगेटिव सेकेंड सेंटेंसेस के, और ऐसे ही आप डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे
इंग्लिश में आप हैज टू और हैव टू को यूज करके तो आप बहुत इजीली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो गाइज, ये जो टॉपिक था ये हैज टू और हैव टू को यूज करने का, आपको पता चल गया होगा कि ये तब यूज करते हैं जब किसी भी इंसान को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो आप हैज टू यूज करना, मजबूरी में करना पड़ा था तो हैड टू यूज करना, और आने वाले टाइम में मजबूरी में करना पड़ेगा सो यू विल से विल हैव टू, आप विल हैव टू वहां पर यूज करेंगे। ऐसे सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज को जरूर लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। हमारी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आगे आने वाले टाइम में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।